बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना और बॉलीवुड के बीच का घमासान और बढ़ गया है। प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी के ट्वीट पर जवाब देते हुए टीम कंगना रनौत ने ट्वीट किया है, लिखा कि बॉलीवुड पे दुनिया हंसती है, देश का हर जगह मखौल बनाया जाता है, पैसे और नाम तो दाऊद ने भी कमाया मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूते छिपाने की नहीं। तो आपको हम बता दें कि लगातार एक के बाद एक ये विवाद बढ़ता जा रहा है और अब टीम कंगना ने ये ट्वीट करके कहा है कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड का हर जगह मखौल उड़ाया जाता है, बॉलीवुड पर कंगना के हमले अभी भी जारी है। हालांकि कंगना रनौत मनाली पहुंच चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद बॉलीवुड को लेकर, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर और जिस तरह का ड्रग्स का मकर जाल है बॉलीवुड में, उसको लेकर कंगना के हमले जारी है। मौसमी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, कंगना अभी भी हमलावर है और नाम लेकर बकायदा कई लोगों को सीधे टारगेट करते हुए कंगना ने एक बार फिर से और उनकी टीम ने अब ये नया ट्वीट किया है और जिसमें बॉलीवुड को टारगेट किया। बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह से कंगना रनौत लगातार धड़ाधड़, चाहे वो बयानबाजी हो या ट्वीट पे ट्वीट हो, उससे वो सीधे तौर पे ये साफ कर दे रही है कि वो अब उन्होंने ये लोहा ले ही लिया है कि वो बॉलीवुड में जो उनके पास राज है उनका पर्दाफाश करके रहेंगी और चाहे उसमें उन पर कितनी भी उंगलियां उठें वो पीछे नहीं हटेंगी। यही वजह है कि अब देखिए कि आज अब कंगना की टीम बॉलीवुड का जिक्र कर रही है। एक तरफ जैसे ही जया बच्चन ने संसद में एक बयान दिया, उस पर पलटवार करते हुए कंगना रनौत ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी श्वेता को भी उसमें घसीटा। अभिषेक बच्चन पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए, तंज कसते हुए जया बच्चन को कहा कि हमारा भी आप ख्याल करिए। तो एक जो दरार है बॉलीवुड में इस पूरे ड्रग रैकेट को लेके, तू मैमे से लेके वार और पलटवार अपने चरम पर है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।